दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के पीवीआर आइनॉक्स क्रेडिट कार्ड के ऊपर। इसके आज हम लोग एलिजिबिलिटी, फीचर्स और फीस एंड चार्जेस के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल से बात करते हैं और आज चलिए पहले बात करते हैं फीचर्स। फीचर्स इसके क्या होने वाले हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहला फीचर देखने को मिलता है मूवी टिकट्स का। अगर आप 10,000 रुपये खर्च करते हैं मंथली तो आपको एक पीवीआर आइनॉक्स की मूवी टिकट मिलेगी जिसका प्राइस होगा 300 रुपये। एक कूपन मिलेगा 10,000 रुपये तक का जिसका एक्सपेंडेबल प्राइस जो होगा वो 300 रुपये तक का होगा। 300 रुपये तक की आप मूवी टिकट बुक कर सकते हो और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो होगी दो महीने तक। आप 2 महीने तक अगर एक अपना कूपन नहीं यूज करते हो तो उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। अब बात करते हैं 10,000 से 20,000 रुपये अगर आप अपना करते हैं तो आपको एक टिकट मिल जाती है और 20 से 30,000 रुपये तक का आप एक्सपेंड करते हैं तो 2 टिकटें मिलती हैं। 30 से 40,000 तक करते हो तो आपको 3 टिकटें मिलती हैं, मतलब कि 10,000 के ऊपर आप एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको एक टिकट मूवी टिकट मिलती है। और भी हम लोग इसके बेनिफिट्स जानते हैं। गेट 20% डिस्काउंट फूड एंड बेवरेज, मतलब कि अगर आप वहां पे जा करके कोई भी चीज़ पीवीआर आइनॉक्स में खरीद रहे हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलता है बेवरेज एंड फूड्स पर, ठीक है। और अगर आप एक मूवी टिकट बाय कर रहे हो और इस क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो और कोई भी पीवीआर आप कहीं पे भी जाकर के अगर इस क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो और मूवी टिकट खरीद रहे हो तुरंत जाकर के तो आपको 5% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको एक्सेस मिलता है प्रीमियम पीवीआर आइनॉक्स लॉन्च का, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्सेस देखने को मिलता है प्रीमियम पीवीआर आइनॉक्स का। अब यहाँ पे आपकी जो ज्वाइनिंग फीस है, फीस एंड चार्जेस है, वो 0 लगती है, ठीक है। आइए चलिए हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होती है जो जब तब आप जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए, उसके बाद इस कार्ड को आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये कार्ड आपके, अब हम फीस एंड चार्जेस के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इंडिया में नहीं रहते हो तो आप इस कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आप 18 साल से 65 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए तभी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। फीस एंड चार्जेस के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो फीस एंड चार्जेस हम लोग को क्या लगते हैं, ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे आपकी निल रहती है और एनुअल मेंटेनेंस जो फीस लगती है वो 499 रुपये लगती है, मतलब कि साल की आपको 500 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। आप चाहे इससे इस क्रेडिट कार्ड का यूज करें अथवा ना करें, करेंगे तो आपको बेनिफिट्स होंगे, मूवी टिकट्स फ्री मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली और डिस्काउंट मिल जाएंगे जो कि आप कुछ चीज़ें खरीदते हैं उन सारी चीज़ों में आपको कुछ डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो लास्ट पेमेंट चार्जेस, अगर आप कभी भी पेमेंट मतलब कि लेट कर देते हो तो अगर आप 0 से 100 रुपये तक की अगर पेमेंट लेट करते हो तो 0 रुपये, और 100 से 500 रुपये तक की अगर पेमेंट लेट करते हो तो 100 रुपये चार्जेस लगते हैं, ठीक है। देख लो चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, 500 से 100 रुपये तक की पेमेंट लेट करते हो तो 500 रुपये लगते हैं, तो भाई चार्जेस बढ़ते रहते हैं। क्रेडिट कार्ड के चार्जेस इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा बढ़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम अमाउंट आप कितना रिफर कर सकते हो, 10% का आप मिनिमम अमाउंट रिफ्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओवर लिमिट चार्जेस आपके यहाँ पे 500 रुपये लगते हैं और चेक बोनस चार्जेस आपको यहाँ पे 2% लगता है, मतलब मैक्स टू मैक्स 2%, मतलब 500 रुपये लगता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी मार्कअप आपकी 3.50% लगती है, ठीक है। फीस ऑफ कैश पेमेंट ऑफ द बैंक 100 रुपये लगती है, तो ठीक है ये कुछ चार्जेस रहे जो कि आपको जरूर देखने चाहिए, ठीक है। अब क्लेम पीवीआर आइनॉक्स कूपन, आप इसको कैसे क्लेम कर सकते हो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आप लॉगिन करेंगे एमबी ऐप को, कोटक नेट बैंकिंग आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, गो टू क्रेडिट कार्ड में सेलेक्ट पीवीआर आइनॉक्स कोटक क्रेडिट कार्ड को आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पीवीआर आइनॉक्स कूपन क्लेम करेंगे, ठीक है। और गेट एम कूपन एलिजिबल फॉर मंथ, ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना है। व्यू द वैलिडिटी ऑफ द एम कूपन, आपकी जो कूपन की वैलिडिटी है वो है कि नहीं ये भी आपको देखना है, ठीक है। यूज देम पीवीआर आइनॉक्स सिनेमा, अब यहाँ से ऐसे यूज कर सकते हैं इस कूपन को, ठीक है। अब इस कूपन को आप अप्लाई कैसे करेंगे तो उसकी लिंक आपको मैं सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज आप कोटक बैंक की ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे और यहाँ से आप सेल्फ ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो इस कोटक। आपको ज्वाइनिंग फीस फ्री है और भाई एनुअल फीस जो आपकी है 500 रुपये लगेगी। ये सारी चीज़ें फीस एंड चार्जेस के ऊपर हम लोग ने बात कर ली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।